ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। साध्वी प्राची ने कहा है कि अगर कोरोना वायरस की वजह से मंदिरों को बंद किया जा रहा है तो मस्जिदों को भी बंद कर देना चाहिए। उनके इस बयान से देवबंदी उलेमा ने न सिर्फ नाराजगी जाहिर की बल्कि साध्वी प्राची को हिंदू मुस्लिम भाईचारे का विरोधी करार दिया है। देखिए क्या कहना है उलेमाओं का। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि साध्वी प्राची हमेशा कोई भी मुद्दा हो उसको हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहती है। हमेशा वो हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटने का काम करती चली आई है। आज तक उसका कोई ऐसा बयान नहीं है कि उसने भाईचारे वाला बयान दिया हो। हमेशा आपस में तोड़ करने वाला बयान दिया है, जोड़ का कोई बयान नहीं दिया। और जहाँ तक मंदिर और मस्जिद की बात है तो मैं साध्वी जी से ये बता देना चाहता हूँ कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये कोरोना वायरस की शुरुआत और इसकी वबा कहाँ से शुरू हुई। ये चाइना के अंदर से शुरू हुई और साध्वी जी को ये मालूम होना चाहिए। अगर उनको नहीं मालूम तो मैं बता देना चाहता हूँ कि चाइना से शुरू हुआ और आज चाइना के अंदर वहाँ के वज़ीर आला और वहाँ के जो लोग हैं मस्जिदों के अंदर आ रहे हैं, नमाज़ों के अंदर शामिल हो रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं और कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारी मस्जिदों के अंदर बड़े ही एहतराम के साथ में इंसान जाता है और पाक साफ जाता है। नापाकी की हालत में या गंदा आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होता। तो मस्जिदों के अंदर इस तरह की वबा का आना तो नामुमकिन है। तो उनको चाहिए कि चाइना के वज़ीर आला से सबक लेना चाहिए और इस तरीके की जो जहरीली बयान का इस्तेमाल करते हैं उससे बाज आना चाहिए ताकि जो है मुल्क के अंदर अमनो अमान बाकी रहे। साध्वी प्राची जी इस तरह के बयान देती रहती हैं सुर्खियों को बटारने के लिए और जो है मीडिया में अपने नाम को नुमाया करने के लिए। ये सब उनकी अपनी सोच हो सकती है। किसी बीमारी का आना, बीमारी का देना या बीमारी को फैलाना, ये सब ऊपर वाले का मामला है। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं बीमारी आती है, अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं तो बीमारी ख़त्म हो जाती है। ना मंदिरों को बंद करना चाहिए ना ही मस्जिदों को बंद करना चाहिए, क्योंकि मंदिर और मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, जितने भी या गिरजाघरों में, इबादत गाहों में जाकर के लोग ऊपर वाले की इबादत करते हैं और उसी से दुआएँ मांगते हैं और जब दुआएँ कबूल होती हैं तो बीमारियाँ नहीं बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाती है। तो इसलिए किसी भी धर्म स्थल को बंद करना मुनासिब नहीं है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं।